हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन GSY दिवाकर एंड दिस है सत्यम परमार। तो यहाँ पे अपना जो सेशन चल रहा था ज्योग्राफी से संबंधित PYQs का, और जिसमें अपन लोग टॉपिक वाइज PYQs डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे चट्टानों से संबंधित PYQs को डिस्कस कर रहे थे, जिसका आज ये लास्ट सेशन होगा। और आगे का जो टॉपिक अपना होगा वो ज्वालामुखी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर नए हैं और उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पूरा बैच भी चाहिए तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, GSY दिवाकर सर, ये आपको प्ले स्टोर पर जा करके मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जीवावशेष, वानस्पतिक अवशेष एवं अन्य सूक्ष्म जीवावशेष किस में पाए जाते हैं? क्वेश्चन आप लोगों को अब तो रट गए होंगे और उनके आंसर भी रट गए होंगे कि किसका आंसर क्या हो सकता है। इतने क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, पाताली चट्टानों में, परतदार चट्टानों में, परिवर्तित चट्टानों में, या फिर आपके आग्नेय चट्टानों में। तो जो जीवावशेष हैं वो किस में पाए जाते हैं, आंसर कीजिए फटाफट से। प्रेमला जी करती हैं, लक्ष्मीकांत जी करते हैं, जितने भी लोग आप लोग देखते हैं आंसर किया कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि इतने क्वेश्चन आप लोगों के पर डे सही होते हैं। ठीक है, बाकी का आपका आंसर करना या ना करना ये आपकी इच्छा है। चलिए देखिए, इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपके जीवावशेष पाए जाते हैं, वानस्पतिक अवशेष पाए जाते हैं, ये परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। परतदार चट्टानें कौन सी होती हैं? जो आप लोगों की अवसादी चट्टानें होती हैं। कौन सी होती हैं ये? अवसादी चट्टानें होती हैं। इसमें ये जो परत बनती हैं, क्या क्या इसमें इकट्ठा हो जाता है, जो आपके ठोस पदार्थ होते हैं, जीव जंतु हो जाएंगे, पेड़ पौधे, और जो भी आपके छोटे छोटे अन्य कीड़े मकोड़े, इन सभी के अवसाद इसमें इकट्ठे होते हैं, परतें बनती हैं अन्य चट्टानों की। तो ये जो आपकी सभी जीवावशेष किस में पाए जाते हैं? परतदार चट्टानों में। बात किसकी हो रही है? अवसादी चट्टानों की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज आप लोगों को थोड़ा सा शोर सुनाई दे सकता है, क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ और यहाँ पर बाहर रूम लिया है, तो यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़िए। सेल एवं बालू का पत्थर पर तापीय अंतर का प्रभाव होता है, क्या होता है? बहुत अधिक होता है, आंशिक रूप से होता है, नगण्य होता है, या फिर बिल्कुल नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। तो जो सेल और बालू का पत्थर होता है, इस पर तापीय अंतर का प्रभाव क्या होता है? नगण्य होता है। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। तापीय परिवर्तन का चट्टानों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, किंतु चट्टानों की कई ऐसी किस्में होती हैं जिन पर तापीय अंतर का प्रभाव नहीं होता है, जैसे कि चट्टान चून से निर्मित, खासकर सैल और बालू का पत्थर। इन पर क्या होता है? जो ताप का प्रभाव है वो बिल्कुल जीरो रहता है, नगण्य रहता है, उस पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर जो होगा आप लोगों का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। पाताली आग्नेय सेल का निर्माण उस स्थिति में होता है जब मैग्मा धरातल के ऊपर आकर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। मैग्मा धरातलीय अवरोधों के कारण दरारों, छिद्रों एवं नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, या फिर मैग्मा पृथ्वी की अधिक गहराई में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, या यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या इसका आंसर होगा बताइए फटाफट से। जो पाताली आग्नेय सेल है इसका निर्माण कैसे होता है ये आपको आंसर करना है। आपका आंसर मैं वेट करूँगी कि आप लोग, मतलब मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप बिना देखे आंसर करते होंगे। तो देखिए, जो आपकी पाताली आग्नेय सेल है इसका जो निर्माण होता है, मैग्मा जब पृथ्वी की अधिक गहराई में ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है, जम जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? पाताली आग्नेय सेल बोला जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये आप लोग व्याख्या पढ़ लीजिए इसकी। देखिए, जो पाताली आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के अत्यधिक गहराई में होता है, क्योंकि इसका ठंडा होना, जमाव एवं ठोस होना अधिक गहराई में होता है, यहाँ पर तापमान अधिक होता है, इसके ठंडे होने की गति मंद होती है, तो इसमें जो चट्टानें होती हैं वो कैसी होती हैं? रवेदार चट्टानें पाई जाती हैं, ग्रेनाइट। ये सभी कैसी हैं? आपकी आग्नेय सेल है, जो कि पाताली सेल का ही उदाहरण होती है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर। यहाँ पर बारिश होने लग गई है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह आग्नेय सेलों का रूपांतरित रूप है? आग्नेय सेल का रूपांतरित रूप कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? क्वार्टजाइट, फाइलाइट, संगमरमर, सेल, स्लेट,
चूना पत्थर, सरपेंटाइन, नीस, सिस्ट, ग्रेबो, बिसाल्ट एवं रायोलाइट। तो कौन सा हो जाएगा जो कि किसका रूप होगा? आग्नेय शैल का रूप परिवर्तन होकर जो चट्टानें बनी हैं वो अपन लोगों से पूछी गई हैं। तो देखिए, जो आपको सरपेंटाइन है, नीस है और सिस्ट है, ये सब किससे बनती हैं? ये आपकी आग्नेय शैलों से बनती हैं। सरपेंटाइन आप लोगों की ग्रेबो से बनती है, नीस आप लोगों की ग्रेनाइट से बनती है और सिस्ट बनती है बिसाल्ट से। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया है? संगमरमर का, बलुआ पत्थर का, चूना पत्थर का या फिर ग्रीट का? तो आप लोगों को पता है कि जो दिल्ली का लाल किला है वो किससे बना हुआ है? बलुआ पत्थर से बना हुआ है। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए, बारिश तेज हो चुकी है। दिल्ली के लाल किले में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है तथा इस किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ये तो आप लोगों को पता है। लाल किला को यूनेस्को द्वारा 2007 में विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। और जो आगरा का ताजमहल है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, आइएगा आगरा तो घूमिएगा, बताइएगा आप लोग। चलिए, चट्टानों की घुलनशीलता में किस क्षेत्र में प्रमुखता होती है? बालू प्रस्तर क्षेत्र में, चूना क्षेत्र में, ज्वालामुखी क्षेत्र में या फिर जलोढ़ निर्मित क्षेत्र में? तो किस में होती है? एक मिनट, चलिए इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि चूना पत्थर क्षेत्र में क्या होती है? घुलनशीलता ज़्यादा होती है। चलिए आगे देखिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद में दबाव या फिर रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारकों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? अपसादी चट्टान कहा जाता है। और इनमें क्या पाई जाती है? घुलनशीलता पाई जाती है। चूना पत्थर आप लोगों की कैसी चट्टान हो जाएगी? अपसादी चट्टानें हो जाएंगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सेल भूपटल की प्राचीनतम सेल है? अपसादी सेल, आग्नेय सेल, रूपांतरित सेल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी सेल हो जाएगी जो कि आपके प्राचीनतम सेल है? तो बी ऑप्शन आप लोगों का आग्नेय सेल है, जो कि कैसी सेल हो जाएगी? प्राचीनतम है, सबसे पुरानी सेल मानी जाती है। चलिए आगे बढ़िए, इसकी व्याख्या देखिए। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय सेलों को निम्न किन दो विभागों में विभाजित किया गया है? अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, अम्ल प्रधान और क्षार प्रधान, बड़े कणों वाली, सूक्ष्म कणों वाली, विस्फोटक प्रकार की और शांत। तो जो आपकी आग्नेय शैल हैं इनको दो प्रकार की चट्टानों में बांटा गया है, वो कौन कौन सी हो जाएंगी आप लोगों की? एक तो अंतर्वेदी होती है, दूसरी आपकी बहिर्वेदी होती है। ठीक है, अंतर्वेदी जो आपके पाताली क्षेत्र में यानी कि अंदर जम जाती है, आग्नेय शैल ही होती है, और जो बाहर निकल के एकदम से जमती है लावा के रूप में, वो आपकी बहिर्वेदी होती है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है, बहिर्वेदी एवं अंतर्वेदी। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा जब धरातल पर जमकर ठंडा हो जाता है तो आग्नेय चट्टान बनती है, और इसे ही क्या बोला जाता है? बहिर्वेदी बोला जाता है। और ये जब विपरीत होता है, इसके ऊपर उठता हुआ मैग्मा धरातल की सतह पर निकलने से पहले ही जमीन के अंदर अगर जम जाए तो इसको अंतर्वेदी चट्टान कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? ग्रेनाइट में, अपसादी में, आग्नेय या फिर कायांतरित में? तो जो कोयला है और खनिज तेल हैं, कौन से चट्टानों में पाए जाते हैं? ये आप लोगों के अपसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कोयला है वो किससे बनता है? जीवावशेष से बनता है, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनके दबने से बनता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि जो आपकी आग्नेय है, आग्नेय चट्टान का ही रूप है ग्रेनाइट, तो इनमें तो नहीं होगा क्योंकि आग्नेय चट्टान में जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं। देख लीजिए इसकी व्याख्या। खनिज तेल की प्राप्ति अनुकूल गुम्बदाकार संरचना वाली मध्य जीव कल्प की अवसादी सेलों में ही संभव होती है। बालू और चूने की अवसादी सेलों में तेल उसी जगह विद्यमान रहता है जैसे स्पंज में जल।
ठीक है, जब आप जो स्पंज होता है उसमें पानी भर दीजिए तो आपको पकड़ने पर, अब जब आप उसको दबाओगे तब आपको पानी दिखाई देगा, वैसे आपको पानी उसमें दिखाई नहीं देगा। इसी तरीके से तेल मिलता है आपको, जो आपका खनिज तेल होता है। खनिज तेल हाइड्रोकार्बन यौगिक मिश्रण होता है। करोड़ों वर्षों की अवधि में वनस्पति एवं जीवों की बड़ी मात्रा में कीचड़, मिट्टी, बालू आदि में दबे रहने पर उन पर गर्मी होती है, प्रेशर पड़ता है, रासायनिक प्रभाव होता है, जीवाणु और रेडियो सक्रियता, ये सभी क्रियाएं होती हैं, उसके बाद में खनिज तेल बनता है। ठीक है, ऐसे नहीं है, बहुत टाइम लगता है इसमें, कई वर्ष लग जाते हैं, 100, 200, 400 साल लगते हैं, तब कहीं जाकर खनिज तेल बनता है और अपन लोग हाल उड़ा देते हैं उसको। निम्नांकित में से कौन सी कायांतित चट्टान नहीं है? स्लेट है, क्वार्टजाइट, संगमरमर एवं ग्रेनाइट। तो बताइए यहाँ पर कौन सी चट्टान है जो कि कायांतरित नहीं है, आंसर कीजिए आप लोग फटाफट से। तो इसका जो आंसर होगा ग्रेनाइट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सी हो जाएगा। ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है आग्नेय चट्टानों का। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, अन्य सभी किसका है? रूपांतरित चट्टान का। कायांतरित या फिर परिवर्तित शैल, ये तो आप लोगों ने कई बार इसकी व्याख्या कर चुके हैं, चलिए फटाफट से इसको पढ़ लीजिए। परिवर्तित शैल, परद्दा शैल एवं आग्नेय शैल में अत्यधिक ताप पड़ता है, दाब होता है, ऊष्मा बहुत ज़्यादा इसमें हीट लगती है, रासायनिक क्रिया होती है, उन सभी के प्रभाव के बाद में जो शैल होती हैं उनका रूप परिवर्तन होता है, उन्हीं को कायांतरित या फिर रूपांतरित शैल कहते हैं। रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टानों का संगठन तथा इनका रूप बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी भी प्रकार का विघटन एवं वियोजन नहीं होता है, उनका सिर्फ रूप बदलता है, टूटती फूटती नहीं है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक मिनट। चलिए, हीरा एक कायांतरित चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है? हीरा किससे बनता है ये पूछा गया है। बलुआ पत्थर से, नीस से बनता है, कोयला से बनता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका हीरा बनता है वो किससे बनता है? कोयले से आपका हीरा बनता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्बनिक तत्वों से निर्मित सेलों की रचना प्रत्यक्ष रूप से वनस्पति के अवशेषों में जमा एवं संगठित होने से होती है, अधिक दाब एवं ताप के कारण इनका रूप बदलता है, इसके कारण इनका रंग गहरा काला तथा कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, पहले कोयले का निर्माण होता है और जब इसमें अधिक परिवर्तन होता है तो कोयले से एकदम काले से बिल्कुल गोरा हो जाता है और किसका रूप धारण कर लेता है? हीरे का रूप धारण कर लेता है। हीरा भी क्या है? कार्बन का ही प्रतिरूप है। चलिए आगे बढ़िए, लोपोलित एवं फेकोलित किस वर्ग की चट्टाने हैं? आग्नेय शैल की, अवसादी शैल की, कायांतरित शैल की, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो आपकी ये दो चट्टाने हैं जो आपको जो स्थल रूप है उसके नीचे देखने को मिलती हैं, किसका उदाहरण है ये? तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा आग्नेय शैल का। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी भी व्याख्या देख लीजिए। आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है मैग्मा के ठंडा होकर जमने से, ये सभी लोगों को अब तो याद हो गया होगा। लोपोलित एवं फेकोलित मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। लेकोलित पृथ्वी के धरातल के निकट बनता है और ये भी लेकिन नीचे बनता है। ठीक है, गुम्बदाकार संरचना होती है। फेकोलित में जब मैग्मा का निक्षेप तरंगों के रूप में होता है तो मोड़ों की अपनति एवं अवनति में लावा जमाव के कारण इसका निर्माण होता है, यानी कि जो आपका लोकोलित है वो तो डोम्ब के आकार का यानी गुम्बद के आकार का बनता है, लेकिन जो आपका फेकोलित है वो इस तरीके से लहरनुमा बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन बनता है, ये आपका एंटीक्लाइन हो गया, सिंक्लाइन हो गया, ये अपनति एवं ये अविनति हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। भूस्खलन से संबंधित है। व्यष्टिक सेल खंडों की ढलुआ गति जो कि सामान्यतः दृष्टिगोचर नहीं होती है, आधार सेल या फिर भूमिज मलबे के तुलनात्मक रूप से शुष्क पुंज को द्रुत अवगम्य संचलन या फिर गति, जल संतृप्त सेल मलबे को धीमे से बहुत तेज गति, जल से संतृप्त सेल मलबे के धीमे प्रभावी ढलुआ पुंज। तो क्या होगा, जो भूस्खलन होता है क्या होता है? भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइडिंग। क्या होता है ये? जो आधार सेल होता है या फिर जो भूमिज मलबा होता है उसका तुलनात्मक रूप से शुष्क पुंज और द्रुत
अभिगम्य संचलन या फिर इसका गति होती है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। अपशिष्ट सेल यानी कि जो आपका रॉक वेस्ट होता है उसके स्थानांतरण या फिर द्रव्यमान संचलन के सभी प्रकार के जैसे मृदा है हिम सहित सामूहिक रूप को भूमिस्खलन कहते हैं। भूमिस्खलन की तीव्रता तथा आकार, भूगर्भिक संरचना, भूमि का ढाल कैसा है, चट्टानों का झुकाव कितना है, चट्टानों की प्रकृति कैसी है, मानवीय हस्तक्षेप, इन सभी पर निर्भर करता है कि कितना लैंडस्लाइडिंग वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और आर, इनकी कौन सी व्याख्या सही है गलत है ये अपन लोगों को तय करना है। चट्टानों की गहराई तथा रासायनिक क्षरण आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों में से एक होता है। रीजन बता रहा है कि जो रासायनिक अपक्षय की तीव्रता अधिक हद तक जल की प्रचुरता और उच्च वायु तापमान पर निर्भर करती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अभिकथन है यानी कि जो चट्टानों की गहराई है, गहराई तक रासायनिक क्षरण आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों में से एक होता है। बिल्कुल सही बात है, जो चट्टानों की गहराई है वो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही होता है। रीजन बता रहा है यहाँ पे जो रासायनिक अपक्षय की तीव्रता है अधिक हद तक जल की प्रचुरता और उच्च वायु तापमान पर निर्भर करती है। तो दोनों ही रासायनिक क्षरण की बात कर रहे हैं, कैसे केमिकल वेदरिंग होती है इसकी बात आ रहा है ये। तो यहाँ पे आपका ए और आर दोनों सही हो जाएगा, इसका रीजन भी सही है। तो जो आपकी ऑप्शन सही है वो ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे निम्नलिखित सेल विशेषताओं पर विचार करें। ये परतदार होती हैं, इनमें जीवावशेष पाए जाते हैं, ये बाह्य सेल होते हैं या फिर ये जल नलिकाओं में बहती हैं। तो सेल विशेषताएं, सेलों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं आप लोगों को आंसर करना है। चलिए कीजिए आंसर, क्या इसका आंसर होगा। तो देखिए जो सेल होते हैं ये परतदार होती हैं यानी कि अवसादी सेल हो जाएंगी, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं ये भी अवसादी सेल हो जाएंगी, ये बाह्य सेल होते हैं, बिल्कुल अवसादी सेल कैसे होते हैं, बहे जाते हैं, ये जल नलिकाओं में बनती हैं, ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। एक दो तीन चार, चारों ही ऑप्शन आप लोगों के सही है। इसके जो ऑप्शन सही होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इतनी अच्छी बारिश हुई है, नाले चलने लग गए, इतनी भयंकर बारिश हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन के अपसादी कार्बन भंडार से निर्मुक्ति में सहायक नहीं है। जीवाश्म ईंधन का दहन, सेल संस्तरों का वलन, सेलों का अपरदन या फिर ज्वालामुखीयता। तो जो कार्बन के अपसादी कार्बन भंडार से निर्मुक्ति में सहायक नहीं होती है उसका आंसर अपन लोगों को बताना है। देखिए अगर ईंधन दहन होगा तो इसमें भी क्या होगा, कार्बन निर्मुक्त होगा, अपरदन में भी होता है, ज्वालामुखी जब बाहर निकलता है फटता है तो उसमें भी कार्बन निर्मुक्त होता है। सिर्फ एक है जो बलन वाली क्रिया होती है, इसमें फोल्डिंग में आपका कार्बन निर्मुक्त नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, टार्स की उत्पत्ति किस चट्टान में बहुतायत होती है। अवसादी सेल में, आग्नेय सेल में, कायांतरित सेल में या फिर इनमें से किसी में नहीं। किसमें होती है जो टार्स की उत्पत्ति होती है। टार्स अपन लोगों ने अभी शायद कल वाले सेशन में या फिर परसों वाले सेशन में टार्स पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो टार्स बनता है आप लोगों का आग्नेय चट्टानों में बनता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। और जिन लोगों ने एमपी सेट फिल किया है शायद उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, बहुत लंबी गई है, 12 दिसंबर को है शायद, 12 को ही है और मैं कंफर्म करके अभी बता दूंगी, वैसे मेरे ख्याल से 12 को ही आई है। परतदार कमजोर सेलों में जब लावा का प्रवेश होता है तो गुम्बद के आकार का हो जाता है। अपरदन के बाद मुलायम सेल कट जाती हैं, अपेक्षाकृत अवरोधक सेल भाग लंबे एवं सकरे कटक में बदल जाते हैं। इस प्रकार के जो स्थल रूप बनते हैं इनको टार, क्विस्टा या फिर टार्स कहते हैं। ये जो पाए जाते हैं आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए।
ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति को कहा जाता है। अभी अपन लोगों ने लहरदार आकृति जो एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन वाली पड़ी हुई है उसी की बात ये कर रहा है। तो ये कौन सी हो जाएगी? फैकोलिथ है, जो कि लहरदार आकृति की होती है, ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए यहाँ पे चार कथन दिए गए हैं, उन पर अपन लोगों को विचार करना है, सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो चलिए पढ़िए। रूपांतरित चट्टानें कठोर या फिर नरम हो सकती हैं। रूपांतरित चट्टानें जीवाश्म नहीं होते हैं। रूपांतरित चट्टानों की खनिज संरचना बदल जाती है। रूपांतरित जो चट्टानें होती हैं उनमें धारियाँ पाई जाती हैं। तो चलिए इनका आंसर कीजिए फटाफट से, कौन सा होगा? तो जो आपकी रूपांतरित चट्टानें हैं दोनों प्रकार की हो सकती हैं, कठोर भी हो सकती हैं, नरम भी हो सकती हैं। ठीक है, ये जो चट्टान किस प्रकार की, जो प्राथमिक चट्टान किस प्रकार की, उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, रूपांतरित चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। नहीं पाए जाते हैं क्यों? क्योंकि इन पर ताप, दबाव, रासायनिक क्रियाएँ इतनी होने लगती हैं कि यहाँ पर जो जीवाश्म हैं वो नहीं रह पाते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में रूपांतरित चट्टानों की खनिज संरचना बदल जाती है। बिल्कुल, जब उन पर सभी क्रियाएं लागू होती हैं, जब उन पर ताप पड़ता है, दबाव पड़ता है, रासायनिक क्रिया होती है, केमिकल बेंडिंग होती है, ये सभी जो होती हैं इनके कारण क्या होता है, उनकी खनिज संरचना बदल जाती है। रूपांतरित चट्टानों में धारियाँ होती हैं, ये भी सही है आपका। एक, दो, तीन, चार, चारों ऑप्शन सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अति रूपांतरण इंटेंस मेटामॉर्फिस वह क्रिया होती है जिसमें अवसादी चट्टानों का अत्यधिक रूपांतरण हो जाता है, आग्नेय शैलों का अत्यधिक रूपांतरण हो जाता है, या फिर रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अति रूपांतरण है आप लोग समझ गए होंगे ये बात किसकी कर रहा है, जब जो रूपांतरित सेल होती हैं उनका भी रूपांतरण हो जाए तो ये क्या बोलते हैं उसको, अब तो अति ही हो गई। तो इसी तरीके से जो अति रूपांतरण है, यानी कि रूपांतरण तो उनका हो ही चुका था, उसके बाद भी फिर से रूप परिवर्तन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन पर भी बहुत ज़्यादा ताप पड़ा, दाब पड़ा, ऊष्मा हुई, उसमें रासायनिक क्रियाएँ हुई, इसके कारण क्या होता है, उनका भी रूपांतरण हो जाता है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे ये आपका एक टॉपिक जो था चट्टानों वाला वो ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब जो आपका कल जो चैप्टर होगा, सॉरी टॉपिक होगा, वो आपका ज्वालामुखी क्रिया का होगा, ज्वालामुखी और उनका विश्व वितरण। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं उनको अपन लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और डिटेल में ही रहेंगे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। Thanks for watching.